चैनल फनिक्स वर्ल्ड होप आप सब अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है वीकेंड और वीकेंड पे विदाउट मटन या गोट मीट का होता नहीं है, तो आज फिर से आ गए हैं गोट लेने। तो ये रहा हमारा प्लेनो में, अगर आप लोग रहते हैं तो आप लोग रॉयल हलाल एंड मीट्स एंड बेकरी में आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लास्ट 2 ईयर से ले रहे हैं, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। आज मैं एक गोट का रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो चलिए घर जाते हैं और वो आप बनाते हैं। तो आ गए हैं आज, तो वहाँ जाके लगा कि आज मटन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही पैक्ड मटन मिलता है। सो आज अराउंड 700 मटन मिला है वहाँ से, तो ये अगर आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं तो वहाँ पर वो लोग फ्रेशली कट भी कर देते हैं, वैसे भी अवेलेबल रहता है, नहीं तो ऐसे पैक रहता है एवरी डे। और ये दुकान जैसे मैं रिकमेंड की आप लोगों, यहाँ पर इतना ज़्यादा सेल है भाई, आप लोग अगर शाम के टाइम में गए ना तो यूजली फिनिश, तो वो सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आज बनाएंगे वर्ल्ड फेमस चंपारण मटन, जिसे आहुना मटन या हांडी मटन भी कह सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो ये यूजली आप लोग हांडी में बनाए, अगर क्ले हांडी या मिट्टी का हांडी से बनाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जो हांडी का जो फ्लेवर रहता है वो मटन के साथ एक साथ होके एक डिलीशियस फ्लेवर आता है। और क्योंकि ये बिहार से है तो आप लोगों को पता है बिहार में थोड़ा स्पाइसी ज्यादा होती है, तो टेस्ट एकदम डिलीशियस होता है। तो ये आप लोग प्रेशर कुकर कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हांडी यूज करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रेसिपी आप लोग मटन नहीं यूज करके चिकन यूज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये चिकन मटन किसी भी मीट के साथ बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट और पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब इन माई चैनल। तो चलिए प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो अभी आ गए हैं सब इंग्रेडिएंट्स लेके, जो चंपारण मटन जो बनाएंगे आज रेसिपी। तो पहले मटन को मैं धो के लेके आ गई हूँ, तो यहाँ पर अराउंड 700 टू 800 ग्राम का मटन है। तो मैं ली हूँ उसके साथ ऑलमोस्ट हाफ ऑनियन, यहाँ पर ऑनियन को चॉप करके काटी हूँ। और यहाँ पर सबसे जरूरत है, यहाँ पर कोई मिक्स पेस्ट नहीं यूज होगा, सब ऐसे रहेगा, आप लोग चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर जिंजर और चिली है, ग्रीन चिली, यहाँ पर गरम मसाला है, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, सब कुछ। और यहाँ पर है हल्दी, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर। यहाँ पर मैं एक होल लहसुन ली हूँ, गार्लिक, ये यहाँ पर जाएगा। और उसके साथ अगर आप लोग चाहें तो छोटा अगर ऑनियन रहे वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं पहले मिक्स कर देती हूँ। तो सबसे पहले लेंगे ऑनियन, तो जैसे मैं बोली ऑनियन विल बी हाफ ऑफ द मटन और मीट, किसी भी मीट का। उसके बाद ये खड़ा मसाला, गरम मसाला जो दिए हैं, अदरक और ग्रीन चिली, उसके साथ मसाला, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर माई फेवरेट, जिससे बहुत अच्छा कलर आने वाला है, गरम मसाला, धनिया और जीरा पाउडर एंड सॉल्ट टेस्ट, ये हो गया। और उसके साथ एक होल गार्लिक, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। तो अभी आ गए हैं किचन पे, क्योंकि गरम तेल करना है। एंड हियर इज आवर पॉट, ये रहा हमारा हांडी आज, तो ये मिट्टी का बना हुआ है। सो यहाँ पर ऐसे हांडी मिलती है, तो इसमें मैं अभी गरम करूंगी सरसों का तेल, दैट इज मस्टर्ड ऑयल। सो हियर इट इज, ये हाई फ्लेम में इसको गरम करना है। सो लेट्स वेट। सो अभी गरम ऑयल आ गया है, ये दिया जाता है ताकि सरसों का तेल का जो कच्चा स्मेल है वो ना आए। अब फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं विद ऑयल, और इसके बाद हम लोग ये मटन डाल दे रहे हैं इसमें। और यहीं पर अच्छे से हम लोग मटन के साथ भी इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हांडी में डालने के बाद हम लोग और अच्छे से इसको मिक्स नहीं कर पाए।
सो अभी आ गए हैं किचन पे, अब रेडी, इट्स रेडी टू कुक। ये रहा हमारा हांडी और हो गया हाई फ्लेम। तो सबसे पहले जो देने वाले हैं वो है घी। सो ये मेनली मस्टर्ड ऑयल से यहाँ पर डाले हैं, गरम मस्टर्ड ऑयल, और मेनली रहेगा घी। घी पहले डालेंगे क्योंकि ये जो क्ले है उसमें जब घी जाएगा तो उसका स्मेल ही ज्यादा आएगा मटन पे। तो चलिए घी डाल देते हैं। घी थोड़ा गर्म होने के बाद हम लोग ये इसको अंदर डालेंगे, डाल रहे हैं। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ऑनियन और सब ये सब डालने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डाल दिए हैं मटन को, अब इसके ऊपर हम लोग ढक्कन लगाएंगे। तो इसको बंद करने के बाद हम लोग एक आटा का गूंद लगाए हैं ताकि इट इज एयर टाइट, और जितना एयर टाइट रहेगा ये उतना अच्छे से इसका फ्लेवर्स अंदर घुसेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक आटा का गूंद बनाई हूँ और उसको पूरा सील कर दे रही हूँ ताकि इसका जितना फ्लेवर्स है ये सब अंदर ही रहे। और एवरी 15 मिनट्स बाद आपको इसको शेक करना पड़ेगा पूरा पॉट को, सो दैट नीचे जल ना जाए। और अगर चाहिए तो बीच में आप लोग खोल के भी एक बार चेक कर ले सकते हैं कि अंदर सब ठीक है या नहीं। और ये कुकिंग मोस्टली डिपेंड करता है द क्वालिटी, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इट मे टेक अराउंड 2 आवर्स टू कुक इन अ लो स्लो फ्लेम। तो आप लोग इसको उसके बाद देखते हैं ये कैसे। तो अभी आ गए हैं आफ्टर 15 मिनट्स। तो देखिए ऐसे आपको जैसे बोले थे कि आफ्टर एवरी 15 मिनट्स आप लोग को ये हांडी को थोड़ा हिला लेना है क्योंकि अंदर तो हम लोग कुक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हो रहा है, इसको होने दीजिए। एंड एवरी 15 मिनट्स बाद बाद इसको आके एक बार आप लोग को चला, क्योंकि हम लोग चला नहीं पा रहे हैं अंदर तो थोड़ा मूव करना पड़ेगा। तो मैं कर दी हूँ और ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहेगा जब तक आपको लग नहीं रहेगा कि हाँ ये बन गया है। इट्स बीच में आप लोग खोल भी सकते हैं इसको एक बार चेक करने के लिए या पानी डालने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अभी आ गए हैं ऑलमोस्ट आफ्टर 2 आवर्स। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो लेट मी ओपन इट राइट नाउ। ओ माय गॉड, क्या स्मेल आ रहा है। डिलीशियस। और सबसे अच्छा है ना जो मिट्टी का ये जो है इसके, इसका एक स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। जो मिट्टी का पॉट पे बना है ना इसका स्मेल बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए पूरा इसमें ऑयल ऊपर आ गया है। तो चलिए अब मटन हंडी रेडी। हमारा शाम परन मटन, मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ खाने के लिए। इट्स ऑसम। चलिए देखते हैं कैसा बना है, वो भी टेस्ट करके देखती हूँ। जो लहसुन डाली थी दैट इज द वन, इसको पहले उठा ली क्योंकि ये टूट जाएगा नहीं तो। वाओ, जो निकल रहा है ना इसमें दम। और मैं इसमें पानी नहीं डाली हूँ, जितना देख पा रहे हैं पूरा ऑयल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो बीच में खोल के पानी भी डाल सकते हैं। आप लोग इसे पराठा, नान, रोटी या किसी भी टाइप का राइस के साथ आप लोग खा सकते हैं। तो देखते हैं अब ये कुकिंग कैसा बना है, हाउ सॉफ्ट दे आर, वेल कुक्ड और नॉट। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, एकदम सॉफ्ट, हाउ सॉफ्ट इट इज। Melting in my mouth. Too good. मैं तो बोलूंगी जरूर ट्राई कीजिए। ये एकदम अलग सा है, नॉर्मल मटन जैसा बनता है उससे थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि इसमें जो ये
मिट्टी का जो खुशबू है बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे मेरा गांव का याद आ गया, क्योंकि गांव में जब ऐसे बनता था तो ऐसा स्मेल आता था। वंडरफुल, मस्ट ट्राई, जरूर आप लोग सब ट्राई कीजिए। और आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इन माई चैनल। स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। गुड बाय।